नमस्कार लोकवाणी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इमरा के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक और आई सबसे पहले डालते अब तक की सुर्खियों पर। राज्य स्थापना भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जिला प्रशासन एवं राजनीतिक दलों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गुजराती समुदाय के लोगों ने जराराम बापा की जयंती मनाई, बापा की आरती उतार सुख समृद्धि की कामना। झारखंड स्थापना दिवस पर नमन संस्था ने भगवान बिरसा की जयंती पर निकाली सम्मान यात्रा। और शेखर अंबानी के मर्डर के मामले में आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने उलीडी थाना का किया घेराव। और अब खबर विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तथा झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर जमशेदपुर के बिरसा नगर संजय मार्केट के पास भगवान बिरसा को नमन किया गया। इस मौके पर जिला के एसएसपी अनुप बिरथे, डीडीसी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूलों का माला चढ़ाकर भगवान बिरसा को नमन किया। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित कई राजनीतिक दलों ने भी भगवान बिरसा को फूलों की माला चढ़ाकर भगवान बिरसा को नमन किया। इस मौके पर एसएसपी डीडीसी सहित तमाम पदाधिकारी ने बिरसा सेवा दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केक काटकर झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाइयां दी। इस मौके पर गरीब बुजुर्गों और गरीब महिलाओं के बीच कम्बल एवं साड़ी का वितरण किया गया। अरे यार सब गड़बड़ है। चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन लेकर सम्मानित करेंगे। राज्य का स्थापना दिवस का समारोह आज यहाँ मनाया गया। हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आकर के भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और सभी राज्य के लोगों को और जमशेदपुर जिले के सभी निवासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। आज झारखंड राज्य 18 ईयर्स का हो गया है, 18 वर्षों का हमारा राज्य हो चुका है और जिस तरीके से हम लोग विकास कर रहे हैं और जो शांति और जो अपराध मुक्त और नक्सल मुक्त झारखंड का हम लोगों ने संकल्प देखा था वो आज सच होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह से जमशेदपुर पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेहनत करती रहेगी जिससे कि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपने को साकार कर सकें और जो झारखंड राज्य का अलग जो गठन हुआ था उसमें जो सपने देखे गए थे उनको साकार कर सकें। सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के पावन अवसर पर बिरसा नगर की यह पावन धरती जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, भारतीय जनता पार्टी उनको माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हम सभी लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है। जमशेदपुर जलाराम बापा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुजराती समुदाय के लोगों ने इस दौरान विधिवत बापा की पूजा अर्चना की, उनकी आरती उतारी, साथ ही सुख समृद्धि की आशीष भी लिया। बिस्टुपुर स्थित जलाराम भवन में समारोह पूर्वक बापा की जयंती मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें महिलाएं तथा बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में माथे पर कलश लिए शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान बापा की रथ भी निकाली गई। भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। शोभा यात्रा जलाराम भवन से शुरू होकर बिस्टुपुर के विभिन्न मार्गों से होते वापस जलाराम भवन में आकर समाप्त हुआ। समारोह में युवाओं तथा महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य भी किया। वहीं बिस्टुपुर में आयोजित दूसरे समारोह में राजकीय मंत्री सरयू राय शामिल हुए। यहां समाज के महिलाओं के द्वारा पारंपरिक नृत्य गरबा प्रस्तुत किया गया। मंत्री ने इस दौरान सभी को जलाराम जयंती की शुभकामनाएं भी दी। बाथरूम का आश्रम अभी भी है,
लोग बताते हैं कि पहले ही ऐसी सारी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ और उनको साक्षात भगवान ने एक दंड और एक कोठरी दिया था जिसको माना जाता था कि अक्षय पात्र है और बहुत कम जगहों पर इस तरह का कोई संत धरती पर अवतार लिया है जहाँ ईश्वर की साक्षात कृपा उनको बन रही है और यह कहा जाए कि मनुष्य रूप में खूब देवता धरती पर आए थे और धरती के भिन्न हिस्सों में जागरण करके और लंबे समय में इसका प्रभाव छोड़ने के लिए कीट की बाधा नहीं दी है और उसी का ये महत्व है कि हम सभी प्रत्येक वर्ष सप्तमी के दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में हम सभी की जयंती मनाते हैं। जमशेदपुर झारखंड स्थापना दिवस को लेकर नमन संस्था के द्वारा झारखंड के सबसे बड़े बिरसा सम्मान यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में शामिल लोगों ने देश की एकता को दर्शाया। नमन संस्था के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती तथा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल बिरसा सम्मान यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ शामिल हुए। यह यात्रा साक्ची नोटिफाइड एरिया कमेटी के सामने से शुरू हुई जहां बतौर मुख्य अतिथि राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय तथा नमन संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं स्तंभ में मीडिया से बात करते हुए राज्य के मंत्री सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर में जल्द ही भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। वह इस द्वारा में माध्यम से हम भगवान बिरसा मुंडा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज इस राज्य का भी स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, तो उनकी अगली जयंती तक हम लोग उनकी एक संदेश देने वाली प्रतिमा जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के किसी स्थान पर लगाएंगे और आज के दिन हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। यह संकल्प मैंने व्यक्त किया है और इस प्रतिमा के पीछे जो संदेश है वह साझा विरासत का संदेश है। भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य के और इस देश की साझा विरासत के प्रतीक हैं जिसको हम लोग गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। झारखंड के पहाड़ों में उन्होंने उसको सिद्ध करके दिखाया है, इसलिए सभी के संकल्प के रूप में हम प्रतिमा स्थापित। वही बिरसा सम्मान यात्रा के संबंध मीडिया से बात करते हुए नमन संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत की गई है जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष स्थापना समाप्त हो गई। इस दौरान यात्रा के माध्यम से हम भगवान बिरसा मुंडा के त्याग और बलिदान को लेकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये जो यात्रा निकली है ये यहाँ में जो पावरफुल लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, ये उन लोगों के लिए यात्रा है। उन लोगों को यह बताने के लिए कि भगवान बिरसा मुंडा से बड़ा ताकतवर कोई नहीं था, जिन्होंने अपने झारखंड राज्य के लिए देश आजादी के लिए कुर्बानियां दी, उनके सपनों को पूरा करें। हम अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, लेकिन वास्तव में एक गरीब व्यक्ति को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, एक गरीब व्यक्ति को जब तक स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिलेगी, एक नौजवान को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये बताने का दिन है। ये राज्य स्थापना 15 नवंबर को इसलिए किया गया कि वैसे लोगों को सचेत किया जाए जो केवल अपना पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। और यहाँ हम आपको बता दें मानगो की हयात नगर में बीते मंगलवार को हुए शेख रब्बानी के मर्डर के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने ओलीडी थाना का घेराव करते जमकर हंगामा किया। परिजनों का मानना है कि बच्चों की लड़ाई को छुड़ाने गया शेख रब्बानी को लोगों ने पकड़कर चाकू से मारकर हत्या कर दिया, जबकि वे बेकसूर था। वही हत्या के मुख्य आरोपी पुलिस के चुंगल से अभी भी फरार है और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि वही पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। बाद में शामिल दो आरोपियों गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि न्याय की तलाश की जा रही है। मुजरिम हम लोग तारों को पकड़ के रखे, मुजरिम को सजा मिलना चाहिए और कुछ नहीं। एक छोटा बच्चा लोग कम से कम अविश देख लीजिए, लोग कुछ करना चाहिए कानून को।
मर्डर मंगलवार के दिन 7:30-8 का बीच में हुआ है, अभी तक मुजरिम फरार में, मुजरिम पकड़ाया नहीं। ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मुजरिम बेकसूर करके चले आ रहा था, ये लोग सोचा कि मारने आ रहा ना क्या, ये लोग नशाखोरी का ढूंढ के मैं चाकू को फेर दिया। पांचों बच्चा का इंसाफ, हम मुजरिम घूम रहा है उसको कर से कर सजा फांसी का दे दिए सर, हमारा तो दुनिया लुटिएगी यार, कम से कम बच्चा का भविष्य के लिए सोचिए, इसका इंसाफ चाहिए हमें। मंगल के दिन रात में हुआ, पौने 8 बजे करीब के आसपास मैं काम से आके और वो जा रहे थे, और नीचे का लड़का जो है, हम भी उधर से आ रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि लड़ाई हो रहा है, लेकिन लड़का अपना माँ को बोल रहा है माँ गन निकाल, आज ऊपर बस्ती से कोई भी आएगा ठोक देंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि मेरा ही घर का आदमी को ठोक देगा, और दूसरा से हो रहा था। अच्छा। और वो पार हो रहे थे तो उन लोग का जुनून पिया में था कि कोई ऊपर बस्ती से बल आएगा ना उसको मार के फेंक देना। ये मृतक के पिता है, उनके लड़के की हत्या कुछ व्यक्तियों ने कर दी थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, और इन्हें तकलीफ है और इनके तकलीफ में हम लोग साथ हैं, और इनके 2 लड़के आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, और कल ये मीटिंग करेंगे जैसा इन्होंने हमको कहा है। बाकी रही बातें, सरकारी प्रावधान के तहत हम लोग इनको जो मदद होगा देंगे, इसके अतिरिक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी लगातार चल रही है और बहुत शीघ्र गिरफ्तार कर लिया। खबरों वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बिरसा सेवा दल के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर गरीब जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। सुनारी सेंटर में बिरसा सेवा दल के द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय एवं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद थे, जहां समिति द्वारा गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क कर उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करना ही हमारी पहली प्राथमिकता में शामिल है, जिस सोच को लेकर झारखंड अलग राज्य का गठन किया गया है। आज भी वही सपना अधूरा है जिसका समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आवश्यकता है, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठे आदिवासी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। इस राज बना तो राज परिकल्पना जो हम लोग का है कि मानव के द्वारा जो है सम्मान के साथ साथ उसका विकास हो, तभी जब समाज और देश और हमारे राज विकास की तरक्की पर आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये जो है दुनिया के क्षितिज में झारखंड राज्य को भी लोग जानेंगे। मैं आज पुनः उनके जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ वन महान ने इस जयंती को मनाया जा रहा है और इन्हीं के जन्मदिन में इसे अलग राज्य का स्थापना हुई। सभी को पता है
भगवान बिरसा मुंडा ने कड़ी संघर्ष या के अस्तित्व के लिए अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन किया, विद्रोह किया, उसी का परिणाम जो है आपको सीएनटी एक्ट बना जो आज भी हमारे यहाँ लागू है और उनका सभी को एकत्रित करके अपना जो अधिकार है वो अंग्रेजों के साथ लड़ के अपने अधिकार दिलाया और आज उनका जयंती है। जयंती में हम लोग को यही पढ़ लेना चाहिए उनके बताए हुए रास्ते, उनके कर्मों को याद करते हुए हम सभी का उसका अनुसरण करना चाहिए और सरकार में भी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का, जो आज ही का दिन में झारखंड अलग राज्य देने का काम किया। इस राज्य भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रैली निकाली और बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है, एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, वहीं झारखंड अपने स्थापना दिवस को लेकर बेहद खुश नजर आ रही है। आज हमारा राज्य 18वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है और अब झारखंड को स्थिर होने की जरूरत है। इस जयंती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार ने अपनी पार्टी के बैनर तले एक रैली निकाली और भगवान बिरसा मुंडा के नारे के साथ प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान मोहन कर्मकार ने कहा कि झारखंड राज्य आज भगवान बिरसा मुंडा की देन है, जो झारखंड अलग राज्य बना लेकिन सरकार के अटल रवैये के कारण जो सरकार में होना चाहिए वो नहीं हुआ, बल्कि राज्य में आलम है बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से लोग चिंतित हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा का ये जयंती दिवस है और आज के दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है और इस दिवस पर हम झारखंड के तमाम वासियों को अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज का दिन बहुत ये महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि बिरसा मुंडा जिस उद्देश्य के साथ आज अपने आप को कुर्बानी दिए थे, निश्चित तौर पर उसकी धरती पर आज वो सारा सपना पूरा होना चाहिए था जो सपना बिरसा मुंडा जी ने देखे थे। साथ ही साथ झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए तमाम वैसे शहीद जो आज इस राज्य के लिए किसी ना किसी तरह अपनी कुर्बानी दी है, उन तमाम शहीदों को और भगवान बिरसा मुंडा को आज के दिन में मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जमशेदपुर झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जो 130 जनजातीय समुदाय के 117 से अधिक कलाकार एवं कला एवं संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। जो उद्घाटन सत्र में कई विदेशी सैलानियों ने अपनी कला एवं संस्कृति को प्रस्तुत किया। बिस्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील के द्वारा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका समापन 19 नवंबर को आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे, जहां हजारों की संख्या में लोग इस पल का गवाह बने। वही उद्घाटन सत्र के दौरान 11 देशों से 30 राज्यों से विलुप्त होती प्रजाति के 1700 कलाकारों के द्वारा अपनी कला एवं संस्कृति को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। मादर की थाप पर झारखंड स्थापना दिवस रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। संवाद कार्यक्रम के माध्यम से टाटा स्टील विलुप्त होती प्रजाति के लोगों को एक मंच देने का प्रयास पिछले 5 वर्षों से कर रही है, ताकि इनकी संस्कृति और कला को जीवित रखा जा सके। वही संवाद कार्यक्रम में 11 देशों के प्रतिनिधि एवं मौजूद थे, जो अपनी कला एवं संस्कृति को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुखियाओं को सरकार द्वारा पंचायत विकास राशि नहीं दिए जाने के कारण जमशेदपुर प्रखंड के सभी मुखिया आज से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। मुखियाओं ने आदिवासी विकास समिति व ग्राम विकास समिति का भी विरोध किया है।
आपको बता दें कि जमशेदपुर प्रखंड परिसर मुखियाओं ने बिरसा मुंडा जन्म जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद आज से सभी मुखिया कलमबद्ध हड़ताल पर चले गए हैं। भारत सरकार द्वारा 1208 करोड़ की अनुदान राशि दी गई थी, मगर झारखंड के 24 जिला में 7 जिला ही सरकार द्वारा पंचायत विकास के लिए राशि दी गई है। सभी जिलों में पंचायत विकास की राशि नहीं दिए जाने के कारण आज से सभी मुखिया नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आज हम लोग जितना 4,500 जो 44 मुखिया है झारखंड प्रदेश में, 24 जिला में जो भारत सरकार के द्वारा फंड उपलब्ध हुआ था 1208 करोड़ रुपया, उसमें से झारखंड सरकार के द्वारा मात्र ही 7 जिला को पैसा दिया गया, जो कि बाकी 17 जिलों का अभी तक नहीं दिया गया। इसमें पहला हम लोग मुखिया लोग दुखी है। हम लोग जानने का प्रयास किया, यहाँ के पदाधिकारी लोग कोई भी सही रिपोर्ट मुखिया लोग को नहीं दे रहा, जिस कारण से ग्रामीण पंचायत के हमारे जो वोट आशा लेकर जनता ने हम लोग वोट देकर जिताया था, पूछ रहे हैं कि नली कब बनेगा, गली कब बनेगा, रास्ता कब बनेगा, हम लोग को कब फंडा भी नहीं है। इसलिए हम लोग किसी को कुछ बताने में, कुछ आनाकनी में सक्षम नहीं है, और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी सरकार मुखिया का रहते हुए, जो पंचायत राज रहते हुए आदिवासी विकास समिति को गठन किया है, आदिवासी महिला समिति का जो गठन किया, ग्राम विकास समिति गठन किया, ये असंवैधानिक है, उसको हम लोग विरोध करते हैं। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के पॉल एंड पॉल कंपनी की एक दुर्योधन सिंह नामक ड्राइवर की एक्सीडेंट से मौत हो गई। वह मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने 20 लाख नगद व एक स्थायी नौकरी की मांग को लेकर कंपनी गेट घंटों भर जाम कर दिया। वही सूचना मिलते ही कई राजनीतिक पार्टी के नेता भी पहुंच गए। वहीं कुछ समय मृतक के परिजन और नेताओं ने कंपनी के सारे कर्मचारी को कंपनी से निकालकर कंपनी गेट से बाहर कर दिया। घटना के संबंध में बताते हैं कि दुर्योधन सिंह पॉल एंड पॉल कंपनी में ड्राइवर का काम करते थे। बीते शाम 7 बजे कंपनी में दुर्घटना हो गई और परिजन और पुलिस को बिना बताए कंपनी ने अस्पताल भेज दिया, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी व्यक्त है। वहीं परिजन और नेताओं ने कहा कि जब तक 20 लाख रुपये नहीं मिलता है, 100 को नहीं उठाएंगे। घटना के बाद जो मजदूर का जो देहांत हो गया, तो उसके ना परिजन को खबर किया गया, ना प्रशासन को खबर किया गया। प्रशासन को जब हमने सुबह इत्तला किया तो बड़ा उबाए थे, वो भी बोले कि हमें किसी पर कोई इत्तला नहीं था इस बारे में। तो उसके बाद फिर काफ़ी संख्या में यहाँ पर बस्ती वाले इकट्ठा हुए, कंपनी में बोले कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं होने देंगे तब तक जब तक घर परिवार के सब आदमी को मुआवजा ना मिले। और मुआवजा के तौर पर रखा गया है कि कंपनी में की स्थायी नौकरी और उनके गार्जियन की तरफ से 20 लाख रुपए का मुआवजा रखा गया है, जो कि कंपनी अभी तक कुछ निर्णय नहीं ली है इसके ऊपर। और कंपनी बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें अभी डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन लेंगे तो इस दौरान यहाँ के सब बस्ती वाले कहने का है कि जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम लोग इस काम को यहाँ पर अभी कंपनी में काम नहीं होने देंगे। तुम्हारे 20 लाख टका डिमांड है और एक परमानेंट नौकरी। अच्छा, अगर बहुत तार पर क्लियर नहीं होले अभी तक जला जली को होबे नहीं। अच्छा, केमन करे हिलो घटना तो अपन गाड़ी चला के कंपनी हमरा तो काम छोड़ी नहीं। अच्छा, और पर पूरे फिर हम जो सुकाल फोन कर। अच्छा, मुझे देखी की वे पास तुम जाला तो लास उठाबे, लेकिन डिसीजन ना होले लास पता लगा। जमशेदपुर स्थित कोल्हान प्रमंडल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सभी पेंशनधारियों से लाइफ सर्टिफिकेट तय समय के अनुमान जमा करने का निवेदन किया गया है। इस बात पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वैसे प्रत्येक वर्ष पेंशनधारियों के लिए 1 नवंबर से लेकर 31 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का नियम निर्धारित किया गया है और इस वर्ष इसमें पेंशनधारियों के सहूलियत के लिए इस आधार से जोड़ दिया गया है। पूर्व में भी शारीरिक भविष्य नीति कार्यालय में उपस्थिति होकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता था, जिसमें बुजुर्ग पेंशनधारियों को काफी दिक्कतें सामने आती थी, लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत इसे आधार से जोड़ दिया गया है और अब उमंग ऐप के माध्यम से अधिकृत बैंक तथा सर्विस केंद्र में भी इसे जमा किया जा सकता है। इससे पेंशनधारियों को होने वाली दिक्कतों में काफी कमी आ जाएगी। नियमानुसार जो है सभी पेंशनर को साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, तो ये 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये पूरी करनी होती है। 31 दिसंबर तक हमें जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता है, जनवरी में जब हम पेंशन शुरू करते हैं ये, तो उस समय इनका पेंशन बंद करना पड़ता है। तो ये एक सबके लिए, सभी पेंशनर के लिए, खास करके जो वृद्ध हैं जिनकी आय का स्रोत कम है, नहीं है,
उनके लिए असुविधा का कारण बनता है। इसी मकसद से ये हम लोग अभी फिर से ये लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। पहले ये फिजिकल रूप में जमा किया जा सकता था, लेकिन अब ये आधार बेस्ड ये है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उन्हें का। इसके लिए जो है सो बैंक्स में भी उपलब्ध होती है, जो पेंशन डिसबर्सिंग ब्रांच बैंक्स हैं उनको भी करना, वहाँ भी कर सकते हैं, हमारे किसी भी ईपीएफ के किसी ऑफिस में कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉमन सर्विस सेंटर जो ऑथराइज्ड हैं वहाँ भी वो कुछ मिनिमम चार्जेस शुल्क लेकर 10 रुपया आई थिंक ये सरकार UIDA के द्वारा तय की गई है कि उतना शुल्क दे करके वो वहाँ से भी करा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में झारखंड के 18 वर्ष पूरा होने पर अनोखे अंदाज में स्थापना दिवस मनाया गया। बारीडी के लोगों ने सफाई अभियान चलाया और बिरसा मुंडा के नाम पर पौधारोपण किया। साथ ही हिंदुस्तान मित्र मंडल सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच केक काटकर झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच चॉकलेट और मिठाई का वितरण किया गया। बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर में सभी बच्चों को उनकी जीवनी के बारे में बताया गया। वहीं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इन 18 सालों में झारखंड राज्य 14 साल का वनवास में था, जिसके बाद हमारे लोकप्रिय विधायक मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस 4 सालों में झारखंड का नाम रोशन किया है। भगवान से हम आशीर्वाद मांगते कि हमारे मुख्यमंत्री को इतना मजबूत करे कि वह झारखंड राज्य और भगवान बिरसा मुंडा के नाम को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में उनकी पहचान हो सके। आज 10 नंबर बस्ती में स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय हिंदुस्तान मित्र मंडल क्लब है, 10 नंबर बस्ती विकास समिति है, यहाँ 8 बूथ है, 8 बूथ अध्यक्ष हैं, 2 भवन प्रभारी हैं और हमारे गणमान्य सभी स्कूल छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ हम लोग आज बहुत खुशी का दिन है कि आज स्थापना दिवस झारखंड का है और भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है। और ख़ास बात है कि आज अभी हम लोग 4वां साल पार कर रहे हैं झारखंड विकास में, जो 14 साल का जो वनवास था, जिस तरह से अयोध्या में श्री राम के भगवान के द्वारा अयोध्या आने के बाद पूरा विकास हुआ था, उसी तरह से हमारे लोकप्रिय विधायक सह मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक जो झारखंड का जो ऊंचाई विकास के माध्यम जो उन्होंने ऊंचाई प्राप्त कराया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम भगवान से उम्मीद करते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि झारखंड उनको इतना शक्ति दें कि वो झारखंड को विश्व के स्थल पर एक झारखंड स्थापित हो सके। जमशेदपुर जिला आम आदमी पार्टी के द्वारा गुरुवार को साक्षी गोल चक्कर पर एक दिवसीय उपवास धरना दिया गया। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के संकल्प को लेकर यह उपवास रखा गया था। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर यह उपवास इनके द्वारा रखा गया था। पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार झारखंड राज्य का गठन 18 वर्ष हो गया है, लेकिन आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंची है। राज्य का गठन ही इसलिए हुआ था कि पीछे और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सके, लेकिन वो आज भी अधूरा है, जिस कारण से पार्टी के द्वारा पूरे राज्य भर में उपवास में रहकर संकल्प लिया जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। स्थापना दिवस आज हम लोग का वीर बिरसा मुंडा जो उनका जयंती पर हम लोग आज आम आदमी पार्टी हम लोग संकल्प दिवस मना रहे हैं, जो कि पूरे उपवास कर रहे हैं आज साक्षी गोल चक्कर में, जो आज झारखंड अलग राज्य होकर 18 साल बीत गया, जो समाज का अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए था लेकिन आज तक समाज का अंतिम व्यक्ति का न्याय नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग झारखंड में भी संकल्प कर रहे हैं कि आज हम लोग भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पूरे झारखंड में संकल्प ले रहे हैं। पूरे झारखंड में हर एक जगह बिरसा जी का आज हम लोग संकल्प यात्रा कर रहे हैं, जो कि बिरसा जी का जो आदर्श था उनका रास्ते पे चलने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और अब चैलेंज पैनल जाल के अब तक के सुर्खियों पर। राज्य स्थापना में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जिला प्रशासन एवं राजनीतिक दलों ने प्रतिमा पे किया माल्यार्पण। गुजराती समुदाय के लोगों ने जलाराम बापा की जयंती मनाई। बापा की आरती उतार सुख समृद्धि की कामना। झारखंड स्थापना दिवस पर नमन संस्था ने भगवान बिरसा की जयंती पर निकाली सम्मान यात्रा। और शेख रब्बानी के मर्डर के मामले में आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने उरीडी थाना का किया घेराव। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।